तिलकुट बनाने के लिए हमने 250 ग्राम तेल ले लिए हैं और 250 ग्राम ही गुड़ लिया है, यानी कि हमने इक्वल क्वांटिटी में तेल और गुड़ लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम तिल को भून लेंगे। कढ़ाई को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें तिल को डाल के भूनेंगे। याद रखिएगा, जब तिल भुनने लगते हैं तो ये चटकने लगते हैं। यहाँ मैं वाइट तिल का यूज़ कर रही हूँ, आपके पास ब्राउन तिल हो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। सर्दियों के लिए ये बहुत ही हेल्दी भी है। इस तरीके से चलाते हुए इसको भूनेंगे। जैसे ये लाइट ब्राउन होने लगेंगे और इसमें चटकने की आवाज़ आने लगेगी, हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, तिल थोड़े थोड़े से ब्राउन होने लगे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि तिल लाइट ब्राउन और वाइट दोनों ही कलर के हैं इस समय। इसी तरीके से ये धीरे धीरे भुनेंगे। इसको भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, तिल ऑलमोस्ट भुन के तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। याद रखिएगा, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भूनना है, जैसे ये लाइट ब्राउन हो और जले नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इस तरीके का एक खल्लड़ ले लेंगे। अब इसमें हम गुड़ को डालेंगे। गुड़ को हमने इसमें डाल लिया है खल्लड़ में। अब हम इस तरीके का जो इसका कूटने वाला होता है मिक्सर, उससे इसे कूटेंगे। मैक्सिमम घरों में ये अवेलेबल होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिल के बट्टे से भी इसका इस तरीके से गुड़ को अच्छे से कूट सकते हैं। इसको हम एकदम चिकना होने तक गुड़ को कूटेंगे। गुड़ ऑलमोस्ट एकदम चिकना बन चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस फॉर्म में। अब हम इसमें तेल ऐड कर देंगे। अब हम इसको भी इसी तरीके से कूटेंगे गुड़ के साथ, जिस तरीके से हमने गुड़ को कूटा था। और जब तक इसको हम कूटेंगे, जब तक ये इसमें गुड़ में अच्छे से मिक्स नहीं होगा। ये बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तेल और गुड़ आपस में एकदम अच्छे से मिक्स हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये तिल गुड़ एकदम आपस में मिक्स हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इनको छोटे छोटे लड्डुओं के रूप में बांध लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप बच्चों को इस तरीके से लड्डू बना के रख लें और डेली दिन में दो दें। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चे आराम से खाते हैं पसंद से। और सर्दियों में ये बहुत ही फायदा देती है, इसको कोई भी खा सकता है, बच्चे या बड़े या बुजुर्ग घर में आपके हों उनको बना के दें। ये देख लीजिए, इस तरीके से लड्डू बांध लेंगे और हम इसके सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से लड्डू बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर लड्डू बनकर तैयार हैं। इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे बने। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।